गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशो फैशन। और मैं हूँ आपका केशव। और राखी की तैयारी किस तरह से चल रही है, यानी कि फेस से लेकर ड्रेस तक की तैयारी किस तरह की अभी चल रही है। फेस को ग्लोइंग करने की जिम्मेदारियाँ मैंने ले रखी है, साथ ही साथ किसी और ने भी ले रखी है, वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी पर ऑलरेडी मैंने एक सिंपल सा वीडियो बनाकर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। ये बात और डिफरेंट होने वाला है क्योंकि कुछ चीज़ें हम इसमें मिक्स करने वाले हैं। मुल्तानी मिट्टी के ना बहुत सारे बेनिफिट, आप सिंपल भी इसको लगा सकते हैं, कुछ एक इंग्रीडियंट्स को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 ऐसे पॉइंट हैं जिसको कवर किया है। फर्स्ट, मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट करती है, नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करती है। सेकंड, मुल्तानी मिट्टी में ना अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि ऑयली स्किन हो तो उसके लिए फेस पैक बना सकते हैं, ड्राई स्किन हो उसके लिए अलग से फेस पैक बना सकते हैं। और यानी कि बहुत सही वाला तरीके से काम करती है आपके डिफरेंट डिफरेंट फेस पैक्स में। बहुत सारे फेस पैक में हम मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते ही करते हैं। थर्ड, मुल्तानी मिट्टी ना कूलिंग एजेंट है, यानी कि घमर में ना आपको ठंडी का एहसास होने वाली है। सो इस वाले वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, छोटा सा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दिया, इसी बात में सारे काम हो जाएंगे, यानी कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। ऐश्वर्य को प्यार देने के लिए ना इस वाले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फैमिली और फ्रेंड के साथ। सो अभी ना शुरू करते हैं, लेट्स रोल। तो इस तरह से आपने इस फेस पैक को तैयार करना, इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट मिक्स किए हैं, यानी कि मुल्तानी मिट्टी आपके डेड स्किन सेल्स को हटाती है, लाइट करती है, ब्राइट करती है, आपके जितने भी डर्ट इम्प्यूरिटी डल होती हैं वो सबको रिमूव कर देती है, साथ ही साथ सन टैन को भी हटा देती है, आपके जितने भी सन बर्न रैशेज इन्फेक्शन इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको भी हटा देती है, क्योंकि कूलिंग एजेंट का काम करती है। साथ ही साथ एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, इन सबको भी रिमूव करने में काफ़ी अच्छा काम करती है। स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करती है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगती है। साथ ही साथ इसमें हमने यूज़ किए हैं रोज़ वाटर, जो आपकी स्किन को पिंकिश ग्लो करने में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। इसमें हमने यूज़ किए हैं लेमन, लेमन बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, विटामिन सी से पाए जाते हैं, साथ ही साथ स्किन को ग्लो करता है, नरिश करता है, ब्राइट करता है और लाइट करता है। इसमें हमने ऐड किए हैं एलोवेरा जेल, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए है, स्पेशली आपकी ड्राई स्किन को काफ़ी अच्छी तरह से दूर कर देगा। अगर ऑयली स्किन है ना तो आप एलोवेरा जेल को हटा सकते हैं, बाकी सब चीज़ों को मिक्स करके आप ये वाला फेस पैक बना सकते हैं। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है ना तो आप इस फेस पैक में छोटा सा पिंच भर टर्मरिक पाउडर डाल सकते हैं, एंड दैट्स इट, योर फेस पैक इज़ रेडी। तो ऑयली स्किन वालों के लिए एलोवेरा जेल को हटा के बाकी सारे इंग्रीडियंट्स को डालने हैं। और अगर आपको एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम है तो आपने हल्दी को डालने हैं, एंड दैट्स इट। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने एलोवेरा जेल को डालना, मेरी तरह, यानी कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैंने इस फेस पैक में एलोवेरा जेल को डाला, बट मुझे कोई भी पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने टर्मरिक पाउडर को नहीं डाला है। आप इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं डेली, यानी कि पर डे आप यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इसको 7 डेज तक फ्रिज में अच्छे तरीके से। और अप्लाई जब करना है ना तो पूरे आँखों को छोड़ना है और लिप्स को छोड़ना है, यानी कि आँखों के अंदर और लिप्स के अंदर ना ये वाला पेस्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यानी कि उसको कवर अप हमें नहीं करना है, पूरे फेस में लगाना है, 20 मिनट तक ऐसे ही रहने देना, उसके बाद हमें वॉश करना है। गर्म पानी से नहीं, हमेशा मैं कहती हूँ आपको ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेना है, एंड दैट्स इट, आपकी ग्लोइंग स्किन तैयार है राखी में रॉक करने के लिए। We'll be right back.
वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी राखी में, अपनी स्किन को ना काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग बनाइएगा। मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव यू गाइस, बाय बाय।